Hey guys, welcome to Scratch DJ Academy and this is DJ Sue. Well, आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग एमेच्योर डीजेस के लिए और जो डीजेस बडिंग है, जो अपना करियर बना रहे हैं, कुछ ही साल हुए हैं उनको डीजिंग में, पर वो इस प्रॉब्लम से ज़रूर स्ट्रगल करते हैं। वेल, ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे कई मेरे स्टूडेंट्स ने इंस्पायर किया कि सर वो मेरे को रोज़ ये बात पूछते थे, मुझे लगता था कि यार ये तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका मुझे प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन एड्रेस करना चाहिए। तो मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। गाइस, टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीजिंग में। वेल, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कई डिबेट्स होती हैं कि 100S वाले डीजे अच्छे थे, टर्न टेबल वाले अच्छे थे, आज वाले डीजेस ऐसी टेक्नोलॉजी पे प्ले करते हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है। मैं उसका एक सिंपल आंसर ये दूंगा कि आईफोन के ज़माने में आप नोकिया 1100 तो यूज़ नहीं करेंगे। आप टेक्नोलॉजी के साथ मूव करेंगे, आप टाइम के साथ मूव करेंगे और उससे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अपने डीजिंग सेट्स को और इनोवेटिव बनाने में और अपनी परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को एनहेंस करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो डीजिंग जब हम लोग करते थे, हमने स्टार्ट करी थी तब 100S सीडीज का केस लॉजिक बाद में आए थे, उससे पहले हम ट्रंक्स में सीडीज लेके चलते थे। बहुत सारे डीजेस ने वो टाइम देखा होगा। डेनॉन का सीडी प्लेयर होता था, जो कंट्रोल अलग होता था, सीडी अलग डलती थी। हम उससे बहुत ज्यादा आगे आ गए। नाउ वी हैव गॉट हाइब्रिड डीजिंग, वी हैव गॉट द बेस्ट सीडीजेस, द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री। लेकिन उसी के साथ हमारे को उसको एक्सेल करने में बहुत टाइम लगता है, उसको आना चाहिए आपको एक्सेल करना। और इसमें जो यंग एमेच्योर डीजेस हैं, जो नए डीजेस हैं या छोटे शहरों के जो डीजे, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि दे डोंट हैव हैंड्स ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी हो गई है उतनी महंगी भी हो गई है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी डीजे टू गो एंड अफोर्ड एन इक्विपमेंट फॉर देमसेल्व्स। अगर आप एक कंट्रोलर लेके अपने घर में रख लेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस में हेल्प नहीं करेगा, वो आपके डीजिंग स्किल सेट को इम्प्रूवाइज नहीं करेगा। क्योंकि जो 400 या पायनियर के जो छोटे छोटे या सेरेटो के कंट्रोलर्स आते हैं, वो आपके मोबाइल डीजिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी हैंडी, दे आर लाइट वेट, ईजी टू ट्रैवल, लेकिन वो आपके डीजिंग स्किल सेट को एनहांस नहीं कर सकते, वो आपको वहाँ इम्प्रोवाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे। उसके लिए आपको सी डी जेज ही चाहिए। मे बी यू कैन स्टार्ट विद सी डी जे 350, 700, 1000, 2000, 3000 and the range goes on. कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रैवलिंग डीजे हैं या आप एक यंग डीजे हैं और आप किसी अलग अलग शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए किसी भी इक्विपमेंट पे हैंड्स ऑन होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी ट्रेनिंग या आपने अपनी जो डीजिंग करी है वो एक डिफरेंट इक्विपमेंट पे करी है और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिफरेंट इक्विपमेंट आ गया है। इसके लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन देना चाहूँगा। Guys, the first solution is that why don't you go and open the website of Pioneer DJ? Pioneer की जो website है वो अपने नए equipments का एक बहुत अच्छा फोटो शूट अपलोड करते हैं, उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस डालते हैं। एंड यस, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आप एक ग्लांस में अपने इक्विपमेंट को समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आपको यूज करने हैं फीचर्स, वो ऑलमोस्ट सब सेम है। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो आपकी, चाहे आप वोक्सवैगन चलाएं या टोयोटा चलाएं, तो आपकी गाड़ी का एक जो सिस्टम है चलाने का, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, वो है सब सेम उन गाड़ियों में। फर्क क्या पड़ता है, किसी में इंडिकेटर लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, किसी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी होगा, किसी में मैनुअल होगा, किसी कोई गाड़ी का गियर सिस्टम मैनुअल होगा, किसी का ऑटोमेटिक होगा। लेकिन उससे गाड़ी चलाने का आपका जो मोटिव है या जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें उसको बेटर होगा, लेकिन गाड़ी तो गाड़ी चल रही है ना। यही आपको समझना पड़ेगा डीजिंग में इक्विपमेंट्स के साथ। आप पायनियर की वेबसाइट पे जाइए, उसको खोलिए, इन सब इक्विपमेंट्स के बारे में अपनी नॉलेज लीजिए, आप इनको देखिए, इनको समझिए, और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आज आपको एक इक्विपमेंट पे आपका हैंड्स ऑन चाहिए या आपने उसकी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है, उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना है, व्हाई डोंट यू रेंट एन इक्विपमेंट। बहुत सारे डीजेस अपने आप को टेक्नोलॉजिकल लैग में ये कर देते हैं कि अच्छा ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास एक इक्विपमेंट नहीं है, और उसके लिए आप सोचते हैं कि मुझे 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए चाहिए वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए। गाइस, आप उस इक्विपमेंट को 4 या 5 हज़ार में रेंट भी कर सकते हैं फ्रॉम एनी साउंड वेंडर इन योर सिटी, या आप उनमें से कोई भी इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं नेट के ऊपर, आप किसी डीजेस के पास जाके आप उनसे बात कर सकते हैं जिसके पास वो इक्विपमेंट हो। आप उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे देके आप उससे वो इक्विपमेंट 24 आवर्स, 48 आवर्स के लिए रेंट पे लीजिए एंड मेक श्योर कि वो 24 घंटे में 10 से 12 घंटे आप कम से कम उस कॉन्सोल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पर अपना सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहाँ पर आप उस इक्विपमेंट के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड बॉक्स के थ्रू। और इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा दैट अगर आपको कोई बात बोले कि यार लैपटॉप से डीजिंग नहीं करनी, या आपको पेन ड्राइव्स यूज नहीं करनी, या CDJs यूज करो, या रिकॉर्ड बॉक्स मत यूज करो, सेरेटो मत करो, तो गाइज आई विल सिंपली टेल यू इन वन लाइन के ऐसे किसी को भी आप मत सुनिए। आप वैसे डीजिंग करें जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आप वो टेक्नोलॉजी यूज करें जो आपके पास इजी है, आपके पास हैंडी है, आपके पास अवेलेबल है। ऐसे किसी रास्ते किसी को मत सुनिए कि मैं ये करूंगा तो मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, लोग आप कैसे भी डीजिंग करेंगे वो कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, आप उस चीज को ध्यान मत दीजिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अगर डीजिंग में हैं तो आपको हर इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप पायनियर की वेबसाइट पर जाएं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखें और अपने नॉलेज बेस को बढ़ा लें इक्विपमेंट्स के बारे में। इसी के साथ आई विल बी वेरी ओपन, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट्स में डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।